अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत होंगे, मजे में होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। स्पाइसी से स्मोकी कबाब बन रहे हैं हमारे किचन में। आज जो है वो मैं बहुत ही जबरदस्त एक फंटास्टिक सी रेसिपी बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती चलूँ। मैंने ले लिया है बीफ का कीमा, और कीमा मैंने एक दफ़ा अच्छे से बॉईल कर लिया है और फिर इसको धो लिया है। और मैंने इसमें गरम मसाला ऐड करके ज़ीरा, प्याज, लहसुन, अदरक का टुकड़ा, उसके बाद ज़ीरा, साबुत धनिया, लौंग, काली मिर्च और मोटी इलायची, उसके साथ साथ दालचीनी का एक टुकड़ा ऐड करके मैंने इसको अच्छे से एक बॉईल देख के, तो उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। ये मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर रही हूँ इसमें। साबुत धनिया से हाथ पे हम क्रश कर लेंगे ये, और धनिया ऐड कर दूंगी, चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून, काली मिर्च और लौंग जा रहा है, काली मिर्च डाल दी, लौंग डाल दिया, दालचीनी के टुकड़े छोटे छोटे हैं तो मैंने 2 डाल दिए हैं, पिसा धनिया 1/2 टेबल स्पून, सुर्ख मिर्च 2 चुटकी, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हल्दी 1 चुटकी, कबाब मसाला जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, शामी है, सीख है, तिक्का है, जो भी आपके घर में अवेलेबल है 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कबाब मसाला, कोई सा भी आपके पास पड़ा हुआ है, कबाब मसाला अवेलेबल नहीं है, मुर्गी मसाला है, चिकन टिक्का मसाला है, बिरयानी मसाला है, कोई भी आपके पास जो रेडीमेड मसाला अवेलेबल हो तो आपने 2 टेबल स्पून वो ऐड कर देने हैं। 1 कप मेरे पास जो है दालचना है, जो मैंने भिगो के रखी हुई थी 1 से 2 घंटों के लिए, वो इसमें ऐड हो रही है। बस मैंने एक प्याज को जो मोटा मोटा चॉप कर लिया, मीडियम साइज की प्याज थी मेरे पास, वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, फ्रेश पेस्ट जो मैंने खुद घर में मैं तैयार करती होती हूँ, ये चला गया। 2.5 ग्लास भर के पानी का ऐड कर दूंगी, पानी चला गया। अच्छे से मिक्स करेंगे सारे स्पाइसेस को, और इसको हम फ्लेम ऑन कर देंगे और ढक्कन देकर अच्छे से गलने के लिए छोड़ देंगे, और फिर मैं आपसे इसको गलाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपसे मिलती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से ये कुक हो गया है और पानी इसका ड्राई हो गया है। हमारे कबाब जो है वो स्मोकी कबाब तैयार हो रहे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप जो है अब हमने करना है। मैंने सबसे पहले ये कवर में रखूंगी इसके ऊपर, देखो कीमा मेरा माशाल्लाह से बड़े अच्छे से ड्राई हो गया है, प्याज के कवर में रख रही हूँ। डिपेंड करता है आप रखना चाह रहे हैं या नहीं रखना चाह रहे, आप ऐसी ही जगह बना लें। दहता हुआ कोयला इसके ऊपर रखना है, बड़े अच्छे से ये प्याज के कवर के ऊपर आ गया है। मैंने अब इस पे ऑयल के 3 से 4 ड्रॉप्स जो है इसके ऊपर डाल देने हैं और इसको कवर कर देना है। अब मैं इसको दे रही हूँ स्मोक इस पॉइंट पे, और बड़े अच्छे से एक इसको, जब इसके अंदर सारा स्मोक जाएगा तो बड़े अच्छे से इसका टेस्ट डेवलप हो जाएगा, एक स्मोकी सा बारबेक्यू का टेस्ट जो है वो हमारे कबाब के अंदर आ जाएगा, इसी वजह से इनको स्मोकी कबाब कहा जाता है। ये मेरी अपनी रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त फैंटास्टिक ये तैयार होते हैं। 7 से 8 मिनट तक जो है वो स्मोक रहूँगी जनाब। अब लिड हटाएंगे और स्मोक हमारा एंड हो चुका है। अब इसको हमने बाहर निकाल लेना है कोयले को बड़ी एहतियात से, ये जी इसको हमने बाहर निकाल लिया, कोयला मैंने रिमूव कर लिया है। अब मैं हटा लूंगी प्याज के जो स्लाइस थे, ये भी मैंने हटा लिए, आप हाथ से हटा लें, आप कुछ भी स्पून यूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अब मैं इसमें चम्मच चलाऊंगी और हमारा स्मोक का बड़े मज़ेदार सा फ्लेवर जो है वो इसमें आ चुका है। अब मैंने इसको करना है चॉप जी जनाब, कीमा हो गया है चॉप और बड़े मज़े से मैंने इसको कर लिया चॉप। सब्ज़ धनिया पुदीना चला गया, 1 एग जा रहा है इसमें। अब मैंने इसको अच्छे से
अच्छे से करना है मिक्स। अब हमने बड़े अच्छे तरीके से कबाब जो है वो तैयार कर लेने हैं। हमने बैटर लिया और बड़े अच्छे से इसको राउंड शेप में मैं लेके आई, और ये देखिए जी जनाब, बड़े ज़बरदस्त से मेरे जो कबाब हैं वो रेडी हैं। मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी और जब चाहें आप इनको फ्राई करें, लाइट से शैलो फ्राई करना है आपने, लाइट से ऑयल डालना है और आप इंजॉय करें जनाब। तो जो हमने कबाब बनाए थे अब मैं फ्राई कर रही हूँ, शैलो फ्राई करने हैं। बहुत मज़े से देखें फ्राई हो रहे हैं।